आदमी की फितरत में ही शामिल होता है किसी न किसी तरीके से किसी न किसी की आंखों में धूल झोंकी जाए और अपना फायदा ढूंढा जाए, लेकिन अब तो इंसान इतना समझदार हो चुका है वो धूल झोंकने के लिए किसी को मौका नहीं देता। और देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट जो बंद हुए उसको चलाने के लिए कितनी कितनी कोशिश की। भाई साहब दो बिस्कुट देना, ये तो भाई साहब बंद हो गए नोट। अरे भाई साहब चल जाएंगे? नहीं चलेंगे भाई साहब, अरे से बंद हो गए। आप पढ़े लिखे समझदार हो फिर भी दे रहे हो आप, मेरे पास नोट ले गए फिर क्या करो? आप खुले दो मेरे को, खुले नहीं है ले दो, ये नहीं चलेगा मेरे पास, आप खुले दो जैसा। हाँ भाई साहब एक जूस देना। लो जी भाई साहब ये नोट तो आप बंद हो गए भैया, कल से। कब से बंद हो गए? कल से बंद हो गया, अखबार में आ गई ना, आज भी आई अखबार में, बंद हो गई। अजी आप ही ज्यादा होशियार हो गया, आप ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या? आप दे रहे हो 500 का नोट तो मेरे को, खुले हो तो दो नहीं तो जूस वापस दे दो आप, ये लो जूस चलेगा। आप खुले लेके आओ आप छुट्टे भी नहीं है, 500 का नोट हम गरीब आदमी हम कहां से देंगे पैसे। धूल झोंको किसी की आंख में क्योंकि कोई आपके आंख में धूल झोंक सकता है। 500 और 1000 रुपए के नोट अब नकली हो चुके हैं, इनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, इसलिए इन नोटों को अब किसी के आगे किसी दुकान पर चलाने की कोशिश ना करो।